धड़ल्ले से चल रहा है झोला छाप बंगाली डॉक्टर का दवाखाना, स्वास्थ्य विभाग इस पर है मौन। जी हां, आप एकदम सही सुन रहे हैं R9 भारत टीवी स्क्रीन पर। प्राप्त जानकारी के अनुसार यूपी सीतापुर के एलिया सेठसी के अंतर्गत टिकरा चौराहे पर सोबरन मेडिकल के बगल में बंगाली डॉक्टर का दवाखाना है, जिसकी यह बेहद गंभीर खबर सामने आ रही है। यह बंगाली डॉक्टर राजीव विश्वास है, जिसके पास ना ही कोई डिग्री है और ना ही कोई रजिस्ट्रेशन। यह बात सामने आई है। बिना डिग्री और बिना रजिस्ट्रेशन के हैरान कर देने वाली बात तब सामने आ गई जब यह पता चला कि यह 20 साल से बंगाली डॉक्टर अपना क्लिनिक धड़ल्ले से चला रहा है। यह एक सवालिया निशान खड़ा करता है स्वास्थ्य विभाग पर कि आखिर ऐसे झोला छाप डॉक्टरों को इस तरीके से डॉक्टरी करने की इजाजत दी किसने है। यहाँ तक कि विगत कुछ वर्षों में एक महिला की जान भी चली गई थी, ऐसी बात सामने आई है, जिसका कारण है बिना प्रशिक्षण के मरीजों का इलाज करना। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग मौन बैठा है। कई बार इसकी खबर मीडिया में प्रकाशित हुई है, परंतु अब तक कोई भी जांच इसके प्रति नहीं हुई है। यदि भविष्य में ऐसा रहता है तो न जाने कितनी और जाने जा सकती हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। दबंगई के बल पर अपना क्लिनिक यह धड़ल्ले से चला रहा है, ऐसी बात सामने आई है। इसे शासन व प्रशासन का कोई भय नहीं। शासन की तरफ से सख्त आदेश है कि अगर कोई झोला छाप डॉक्टर अपना क्लिनिक चलाता है तो प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उस पर सख्त कार्रवाई करी जाएगी। लेकिन यहाँ तो माजरा ही कुछ और है। सीतापुर के स्वास्थ्य विभाग मूक दर्शक बनकर यह देखता हुआ नजर आ रहा है। आखिर इतने सालों से इस झोला छाप डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करी गई, यह एक सवालिया निशान है। टिकरा का ही इंद्रजीत नाम का एक युवक, जो कि ताजा मामला सामने आया है, जिसके विषय में काफी जख्मी होने के बाद जख्मी हालत में परिजन उसे तुरंत डॉक्टर बंगाली के क्लिनिक पर जा पहुंचे और डॉक्टर बंगाली उस समय मौजूद नहीं था, वह अपने घर पर था। उसकी अनुपस्थिति में कंपाउंडर दीपू नाम का एक लड़का, जो कि टिकरा का ही है, क्लिनिक का संचालन करता है, यह भी बात सामने आई है। एक तो झोला छाप डॉक्टर, दूसरी तरफ से उनके ना होने पर उनके कंपाउंडर के द्वारा लोगों का इलाज किया जाता है। अगली बात हम आपको बताएंगे, जिसे आप सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मौके पर दीपू ने काफी शराब पी रखी थी। जी हाँ, या वही झोला छाप डॉक्टर राजीव विश्वास का कंपाउंडर है, जो दारू पी कर लोगों का इलाज करता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद यह मामला तूल पकड़ रहा है। आपको बता दें, पीड़ित के द्वारा जब यह कहा गया कि नशे की हालत में इलाज आखिर क्यों कर रहे हैं, मरीज को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार आखिर होगा कौन, जिसके बाद दीपू ने काफी तोड़फोड़ करी और आरोप लगाया कि बीमार के साथियों पर यह तोड़फोड़ करी गई है। इस पर डॉक्टर बंगाली ने चौकी काजी कमालपुर में एक प्रार्थना पत्र भी दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंचकर चौकी इंचार्ज ने दीपू को अपनी कस्टडी में लिया, उसके बाद उसे चौकी भी ले गए। इस तरीके से एक तो बिना प्रशिक्षण बिना किसी रजिस्ट्रेशन के एक बंगाली डॉक्टर का क्लिनिक चलाना, उसके बाद उसके कंपाउंडर का शराब पीकर लोगों का इलाज करना सर्दिया गलत है, जिसे कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। परंतु स्वास्थ्य विभाग को इस पर सोचना होगा और शासन प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा सभी का आरोप है। यह बेहद संगीन मामला है। देखना यह होगा कि आखिर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से झोला छाप डॉक्टर राजीव विश्वास व उसके कंपाउंडर पर क्या कार्रवाई करी जाती है, या फिर भविष्य में भी ऐसे ही लोग मौत के गगार पर आकर खड़े होते रहेंगे। दिखाएंगे आपको इस खबर से जुड़ी कार्रवाई की भी पूरी दास्तान। बने रहिए सिर्फ R9 भारत टीवी पर। क्या समस्या आपकी? ये दारू पी के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। कौन दारू पी के इलाज कर रहा है? दीपू। ये किसके किसका क्लिनिक है? दीपू इनके हरिद्वारी क्लिनिक का। नहीं, ये क्लिनिक किसका है? बंगाली के। बंगाली डॉक्टर का क्लिनिक है। यहाँ किस लिए आप आई थी? हम आए हमारे लड़का सांड ने मारो। फिर क्या हुआ? सांड ने मारो, हम यहाँ लेके आए, खून खच्चड़े रहा है, बहुत ज्यादा भूसा टमंग चौंधी रखी है। अच्छा, तो दीपू ने क्या किया? दीपू ने इंजेक्शन लगाओ जा रहा है, कहीं ना लगाई बा, हमें बताओ केस। अच्छा, ना लगाए, कहीं केस बताओ, कौन केस लेके आई मरीज हो, हम केस कौन बताओ, हम कहीं का केस बता दीजिए, हमारे लड़का मारो सांड ने बताई कहीं का। अच्छा, उसके बाद दीपू ने क्या किया? ना हम चले गए यहाँ से लड़का को लेके, यहाँ जो लड़ाई दंगा करनी और तेरे। अच्छा, हाँ, हमारा लड़का नहीं बोना करे तो ये मोटरसाइकिल लौटे तो लड़का हमारा खुद कर देती है। अच्छा, मरीज ये यहाँ पर दारू पी करके ये लोग इलाज कर रहे हैं? हाँ, इलाज करके दारू पी के। अच्छा, अभी पिए ठाणे। आपका क्या नाम है? हमारा नाम सुशीला। सुशीला, कहाँ की रहने वाली हैं आप? टिकरा। ये कौन सी जगह है? यह बंगाली। नहीं, ये जगह कौन सी है? टिकरा केरी है। टिकरा जगह है ना, ये बंगाली का क्लिनिक है। R9 भारत के लिए तहसील महोली से सर्वेश दीक्षित की रिपोर्ट, सीतापुर उत्तर प्रदेश।